फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोसा पिज्ज़ा। उसके लिए मैंने ये डोसे की तैयारी करने के लिए मैंने एक कटोरी 200 ग्राम सूजी ले ली है, बारीक सूजी। अगर बारीक नहीं हो तो एक बार आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और बारीक कर लें। और 1.5 टेबल स्पून मैंने उसमें गेहूं का आटा डाल लिया है। अब इसमें नमक हम स्वाद अनुसार डाल लेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें इसमें। और नमक हिसाब से ही डालें क्योंकि हम डोसा पिज्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ में भी नमक होगा, तो नमक उसी हिसाब से डालें। और अब मैं इसमें दही मिला के इसका बैटर बनाऊंगी। ये मैं 2 बड़े चम्मच दही ले लेती हूँ। ये 2 बड़े चम्मच दही ले लिया मैंने और पानी डाल के अब इसका पतला बैटर बना लेंगे डोसे जैसा। ये मैंने पतला बैटर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट करवाऊंगी ताकि सूजी पानी पी के फूल जाए, और अगर पानी कम होगा तो हम बाद में और पानी डालेंगे। ये मैं डोसा पिज्ज़ा के लिए पिज्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 2.5 टेबल स्पून 2.5 टेबल स्पून मैंने सॉस ले लिया, टमाटर सॉस रेडीमेड। और उसमें मैं ओरिगेनो और बेसिल लीव्स क्रश करके डाल रही हूँ। ये मैंने घर पर ही तैयार किए हैं, इनको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। और इसमें मैं ये 1/4 स्पून मसाले वाला रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी, और इतना ही मैं इसमें मैं इससे थोड़ा कम नमक डालूंगी क्योंकि चीज़ में डोसा में ऑलरेडी नमक होगा, तो मैं ये नमक कम डाल रही हूँ और इनको मिक्स कर लूँगी। तो अभी हमारा बैटर रेडी है डोसे का। मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया था, इस कंसिस्टेंसी आप देख लें कैसी है। और अब ये एक आयरन का तवा रख दिया है मैंने गैस पर, ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो बस हम इस पर ये डोसा बैटर डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसके ऊपर मैं पिज्ज़ा सॉस लगा दूंगी। ये पिज्ज़ा सॉस लगा दिया मैंने। अब इस पर मैं वेजिस डालूंगी। ये मैंने वेजिस ले ली है, शिमला मिर्ची, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, और अब इसके ऊपर मैं चीज़ ग्रेट करूँगी। ये मैंने इसके ऊपर अच्छे से चीज़ ग्रेट कर ली है, अब हम इसको फैला देंगे इस पर और इसको अच्छे से नीचे से रोस्ट होने देंगे। बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है ताकि हम ये काम अच्छे से कर सकें। और अभी अच्छे से नीचे से रोस्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो अब ये हमारा सिक्के रेडी हो गया है और चीज़ भी पिघल गई है, आप देख सकते हैं। तब हम इसको यहीं पे कटिंग कर लेंगे तवे पे ही। कटिंग कर ली है मैंने, प्लेट में सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा डोसा पिज्ज़ा रेडी है। आप भी ऐसे इजी वे में घर पे डोसा पिज्ज़ा बनाइए और इंजॉय कीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू।